गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक कैप्सूल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लाइव आ जाइए आप लोग। कल सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन को हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डबली रिइंफोर्स सेक्शन। ठीक है, कल किसने किसने क्वेश्चन किया है कमेंट बॉक्स में देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं किए हैं हम, लेकिन आंसर लगभग मैच कराते हैं। अंजलि जी, आपका जो कमेंट आया है यक्सी बराबर 84 जो आया है ठीक है, लेकिन एक्स ए न्यूट्रल एक्सिस, एक्स ए का मान जो है वो गलत आया है, क्योंकि किसी बीम की चौड़ाई क्या दी हुई थी? हेलो, जी बीम की चौड़ाई क्या थी? मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, आप थोड़ा सा बताएंगे? रिकैप कराइए, रिकैप कराइए। अंजलि वर्मा का एक्से का न्यूट्रल एक्से जो बता रही हैं, एक्से 29 आया, लेकिन 29 कभी नहीं आएगा। आंसर कैसे मैच होगा समझिए, जितनी भी बीम की गहराई दी रहेगी, टोटल डेप्थ जितनी दी रहेगी, न्यूट्रल एक्से हमेशा लगभग बीच के आसपास आएगा। अगर 300 है तो ये 100 से 200 के बीच में, इसी के बीच में आएगा, ये 24 या 26 पे नहीं आएगा। जी, ठीक है। बी बराबर क्या दिया था? 150 दिया था। चलिए अभी डबली करते हैं, फिर अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डबली करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अभी लास्ट में देखते हैं। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर डिस्कस करते हैं। आज डब्ल्यू पढ़ लेते हैं, फिर अभी उसको डिस्कस करेंगे। छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए उस टॉपिक को, कल वाले क्वेश्चन को छोड़िए, आज के टॉपिक पे आइए। दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड, अभी उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अभी उसको डिस्कस किया जाएगा, पहले दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड देखते हैं। शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कल से आरसीसी की क्लास 7:30 बजे मॉर्निंग में होगी, और आरसीसी ड्राइंग की क्लास 10 से या 10 बजे या 10 साढ़े 10 बजे से किसी भी टाइम एक फिक्स कर दिया जाएगा अभी। उसके बाद प्रॉपर दोनों क्लासे मिलेंगी, आरसीसी और आरसीसी ड्राइंग की, दोनों 7:30 बजे 7:30 पे। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आरसीसी की क्लास सुबह मॉर्निंग में की जाए, और फिर 10:30 बजे या 10 बजे के बाद आरसीसी ड्राइंग दिया जाए। किसी को अगर कोई समस्या नहीं हो इस टाइम टेबल से तो थम्स अप करके उसको आगे किया जाए, बताया जाए कि टाइम टेबल सेट कर दिया जाए। ठीक है, कर दिया जाए। मॉर्निंग में क्या चलेगी? 7:30 से, 7:30 से आरसीसी की क्लास मिलेगी आपको, और 10 बजे से, 10 या 10:30 बजे से आपको किसकी क्लास मिलेगी? आरसीसी ड्राइंग की, आरसीसी ड्राइंग की क्लास मिलेगी। समय का अभाव नहीं हुआ तो आपको ट्रांसपोर्टेशन शाम में दिया जा सकता है, या तो सर्वेइंग दी जा सकती है। ट्रांसपोर्टेशन में आपको हाईवे मिलेगा। ठीक है, दो क्लासें परमानेंट चलाई जाएगी, आरसीसी और आरसीसी ड्राइंग की। उसके बाद आपकी सर्वेइंग, सर्वेइंग को लेके आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, और किसको लेके कमेंट आ रहे हैं? टी को लेके, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये दोनों क्लासें अल्टरनेट ली जा सकती हैं। ठीक है, अगर आपको इन दो टाइम टेबल से कोई समस्या नहीं हो तो इस टाइम से किसी तरीके की, तो आप थम्सअप करें। क्या आप 7:30 बजे क्लास ले सकते हैं? चलिए ठीक है, अगर किसी को किसी तरीके की क्वायरी करनी हो, कुछ भी पूछना हो, तो हमारा ऊपर यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं, किसी तरीके के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अनायास किसी तरीके का कोई मैसेज नहीं करेगा,
अनायास ऊपर लिखा हुआ है नंबर, अनायास कोई मैसेज नहीं करेगा, सिर्फ किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर नंबर लिखा हुआ है, ऊपर यहाँ पे नंबर आज दे दिया जा रहा है आप लोगों को, अनायास किसी को नंबर नहीं देंगे, ठीक है। चलिए चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड, दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड, जब किसी धरन में संपीड़न, परिभाषा क्या होती, जब किसी धरन खंड में संपीड़न तथा तनन क्षेत्र दोनों में, संपीड़न ऊपर क्या होता है, तनन क्षेत्र होता है किसी बीम का, सॉरी ऊपर क्या होता है, संपीड़न क्षेत्र होता है, ऊपर क्या होता है, संपीड़न क्षेत्र होता है, ऊपर क्या होता है, संपीड़न क्षेत्र, और नीचे तनन क्षेत्र। तनन कौन सा लोड, तनन को कौन बियर करता है, स्टील बियर करती, इस्पात क्या लेता है, इस्पात किसको लेती है, तनन को, टेंशन को, टेंशन लोड को इस्पात लेती है, और संपीड़न को कौन सा लेता है, कंक्रीट किसको लेती है, कंक्रीट जो होती है संपीड़न बल को लेती है। तो जब किसी खंड में तनन तथा संपीड़न दोनों क्षेत्रों में इस्पात का प्रयोग किया जाए, तो इस प्रकार के खंड को दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड कहते हैं। क्या, जब किसी धरन खंड के संपीड़न तथा तनन क्षेत्र दोनों में इस्पात, दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड कहते हैं। दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड का निर्माण कहाँ किया जाता है, जीने में, जीने के नीचे किया जाता है दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड। क्यों क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें नीचे जाने के लिए रास्ते की जरूरत होती है, रूम हेड की प्राप्त करनी होती है, और ऊपर छत, छत कितने पे, लगभग आप 10 फीट, 11 फीट, 12 फीट पे डालते हैं, ठीक है। और आए मनुष्य की औसत लंबाई लगभग 7 फीट मानी, 6 फीट मानी जाती है, और रूम हेड कितना दिया जाता है, 7 फीट दिया जाता है। तो उस लोड को बियर कराने के लिए हमें ज्यादा लोड आ रहा है, तो वहां पे दोहरे प्रबलित खंड बनाते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड का निर्माण करते हैं, कहां, जीने के लिए। दूसरा, जब खंड की माप निश्चित कर दिया हो तब हम किसका निर्माण करते हैं, खंड की माप निश्चित कर दिया हो, और खंड की माप निश्चित हो, यही ना, खंड की माप निश्चित हो तथा उस पर अधिक लोड आ रहा हो, उस पर क्या आ रहा है, अधिक लोड आ रहा है। जब खंड की माप निश्चित कर दिया जाए कि ये भाई 150 बाई कितने का बनाया जाए, 150 बाई 300 का बनाया जाए, लेकिन इस पे कह दिया जाए 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड आ रहा है, जब लोड अधिक आएगा तो इसमें क्रैकिंग होने की संभावना अधिक होगी, तो हम क्या करेंगे, इस्पात को संपीड़न क्षेत्र में भी डाल देंगे, ठीक है। खंड की माप निश्चित कर दी जाए, इन परिस्थितियों में हम किसका निर्माण करते हैं, दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड का निर्माण करते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो गई, अगर इतनी बात समझ में आ गई है जी, जिसको क्लियर नहीं हो रहा है वो थोड़ा सा अपना पिक्सल चेंज करें, यूट्यूब पे जाके 480 पे देखें, 480 पे देखें, ठीक है। ठीक है, अगर आपको दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड की परिभाषा समझ में आ गई हो तो आप बताएं, थम्सअप करें, दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड की परिभाषा, जब किसी धरन में संपीड़न तथा तनन क्षेत्र दोनों में इस्पात का प्रयोग किया जाता है, तो उस प्रकार के खंड को दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड कहते हैं। आज लाइव कम लोग हैं, शेयर कर दीजिए, क्या है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्या, मतलब हमें हतोत्साहित कर रहे हैं आप लोग, हम ऊर्जावान होके आपको पढ़ाने आ रहे हैं और आप हमें हतोत्साहित कर रहे हैं। शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, परिभाषा समझ में हो गई, क्लियर सबको।
जब किसी धरण खंड में धरण इस्पात तथा इस्पात का प्रयोग संपीड़न तथा तन क्षेत्र दोनों में किया जाए तो उस प्रकार के खंड को दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड कहते हैं। अगर आपसे पूछता है दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड किसे कहते हैं, परिभाषा हो गई, फिगर हो गया, फिगर क्या हो गया, फिगर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। माना किसी धरण की, उस धरण की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई क्या दी हुई है, माना धरण की चौड़ाई बी, धरण की कुल गहराई डी, वही चीज सिंगली की तरीके से कुल गहराई डी दी हुई। अगर नीचे इस्पात का प्रयोग किया गया, हम उस सिंबल को AST से डिनोट कर रहे हैं, AST से, एरिया ऑफ स्टील, AST से डिनोट कर रहे हैं। AST फुल फॉर्म भी देखिए, ए का मतलब एरिया, एस का मान एरिया ऑफ स्टील, इन टी का मतलब टेंशन साइड, इन टेंशन साइड, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड, AST हो गया। ऊपर क्या है, कंप्रेशन में डाला गया है, तो हम क्या लिख दें, ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, कह सकते हैं एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, ठीक है। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो फिगर को और डेरिवेट किया जाए, फिगर को दिखाया जाए। किसी धरण की चौड़ाई बी, उसकी कुल गहराई कैपिटल डी, तनन क्षेत्र में इस्पात का क्षेत्रफल, तनन क्षेत्र में इस्पात का क्षेत्रफल, तनन क्षेत्र में इस्पात का क्षेत्रफल AST, तनन क्षेत्र में इस्पात का क्षेत्रफल AST, तथा बॉटम से उसे, तथा बॉटम से उसे, बॉटम से उसे उसके केंद्र तक की दूरी क्या है, कवर डी डैश के कवर पे, आवरण पे, प्रभावी आवरण पे, डी डैश के प्रभावी आवरण पे डाली गई है, ठीक है। ये सिंगली की तरीके से, जब हम इसमें संपीड़न क्षेत्र में भी स्टील डाल देंगे तो वो कौन सा बीम हो जाएगी, दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड। तो वही चीज यहाँ पे, ये आवरण कितना दिया गया है, हो सकता है यहाँ पे आवरण कुछ हो और यहाँ पे आवरण कुछ दिया हो, तो माना ये आवरण संपीड़न क्षेत्र में आवरण डी डबल डैश है। कई किताबों में इसे D1 और D1 डैश कहा है, तो आपको सिंबल याद रखना है कि डी डबल डैश किसके लिए आप यूज कर रहे हैं। सिंबल से कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रहना चाहिए कि क्या चीजें होती हैं, ठीक है। प्रभावी गहराई, प्रभावी गहराई कैपिटल डी में से हम क्या घटा दें, नीचे का आवरण घटा दें, तो हमें प्रभावी गहराई पता चल जाएगी, ठीक है। न्यूट्रल एक्सेज मान लिया यक्स डिस्टेंस पे काम कर रहा है, कहां पे काम कर रहा है, यक्स डिस्टेंस पे काम कर रहा है, ठीक है। इतना हो गया फिगर में, एरिया ऑफ स्टील कहां पे है, नीचे AST और ऊपर क्या है, ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, ठीक है। ठीक है, हो गया। टू फाइंड ANA, सॉरी, पहला स्टेप क्या होगा, सिंगली की तरीके से सारे स्टेप कॉमन किया जाएगा। गिवेन डाटा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, गिवेन डाटा दिया हुआ है, गिवेन डाटा दिया हुआ है, ठीक है, गिवेन डाटा दिया हुआ है, जो भी चीजें दी रहेंगी क्वेश्चन में वो। दूसरा स्टेप वही कॉमन स्टेप जो सिंगली में पढ़े हैं, टू फाइंड CNA, क्रांतिक उदासीन अक्ष, क्रांतिक उदासीन अक्ष की स्थिति, क्रांतिक उदासीन अक्ष की स्थिति। फार्मूला क्या बताया गया था आपको, फार्मूला क्या बताया गया था, XC बराबर यम टाइम सिग्मा CBC अपान यम टाइम सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू डी। ये कहां से आपको निकला था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से। कौन सा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था, कौन सा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था, ध्यान से देखिए, ये था ना, यही तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम था। क्या था ये, सिग्मा CBC था, CBC, और रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूला यहीं से बन रहा है, सिग्मा ST बाई यम। सिमिलर ट्राइंगल, ऊपर एक ट्राइंगल है, एक नीचे ट्राइंगल है, एक ऊपर ट्राइंगल है, एक नीचे ट्राइंगल है। न्यूट्रल एक्सिस कहां पे है, यक्स डिस्टेंस पे। अगर बची हुई दूरी क्या हो गई, या बची हुई दूरी क्या हो गई, डी माइनस यक्स हो गई, यही तो थी, डी माइनस एक्स थी। तो वही सिमिलर ट्राइंगल से देखिए, सिग्मा CBC, सिग्मा CBC बट्टा ये दूरी, इसके आधार और लंब देख लीजिए, यक्स हो गए कि नहीं, फिर बराबर सिग्मा ST, देखिए ये दूरी सिग्मा ST बाई यम डिवाइडेड बाई डी माइनस यक्स,
इसी को पक्षांतर किया गया है, तो यहां से न्यूट्रल एक्सेज का मान, यहां से यक्ष का मान, उसी को इसी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, फिर सॉल्व करने के बाद हमें किसका मान पता चलेगा, हमें किसका मान पता चलेगा, एक्स का मान इस टर्म में आएगा, एम टाइम सिग्मा सीबीसी अपान एम टाइम सिग्मा सीबीसी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। ठीक है, क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया इतना सी एन ने, ठीक है थम्सअप करें अगर दो स्टेप क्लियर हो गए। सारी चीजें उसी से रिलेट करके बताई जाएंगी, सिंगली डबली एक जैसी होंगी। नहीं जी रागनी जी, डेरिवेट नहीं करना पड़ेगा, अगर आप याद कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद कर पा रहे हैं तो आपको ऐसे बताया जा रहा है कि ये फार्मूला कहां से आ रहा है। ठीक है, कोई डेरिवेट नहीं करना है, आप याद कर लीजिए सीधा। आपके एग्जाम में दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अगर शरण आप लोगों के पास है तो आप देख लीजिए, शरण में आपको दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से, पहला टाइप होता है क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल आता है, दूसरा टाइप आता है स्टेप लिखने को, कहता है कि किसी धरण को डबली रीइंफोर्स सेक्शन को डिजाइन करने के अभिकल्पन के चरणबद्ध तरीके लिखें, ऐसे लिखा रहता है चरणबद्ध तरीके लिखें, तो यही स्टेप लिखना रहता है आपको प्रॉपर, कैसे कैसे आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो स्टेप हो गए, तीसरा स्टेप क्लियर हो गया, अगर क्लियर हो गया हो तो थम्सअप करें। ठीक है, स्टेप थर्ड, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिंगली पढ़ा था, सिंगली पढ़ा था, तो सिंगली में हम लोगों ने क्या पढ़ा था फार्मूला, यही ना, बी एक्स स्क्वायर बाई टू, बी एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर यम ए एस टी डी माइनस एक्स, यही तो पढ़ा था, डी माइनस एक्स यही था फार्मूला। ठीक, कल के सेक्शन में यही था, आज हमने ये ऊपर क्या था, कंप्रेशन जोन को टेंशन जोन के बराबर किया गया था, वही चीज यहां पे, आज हमने कंप्रेशन जोन में, कंप्रेशन जोन में क्या डाल दिया, कंप्रेशन जोन में क्या डाल दिया, कंप्रेशन जोन में स्टील डाल दी, क्या डाला, एडिशन क्या हुआ है, एडिशन क्या हो गया है एएससी का, एडिशन किसका हुआ है एएससी का, एडिशन क्या हुआ है एएससी, ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है जहां से न्यूट्रल एक्सिस से दूरी क्या है इसकी एक्स माइनस डी डे डी डबल डैश के, है कि नहीं, इस चीज को क्लियर करिएगा, न्यूट्रल एक्सिस टॉप से कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे, और यहां से इसका कवर क्या है डी डबल डैश पे है आवरण पे, तो ये बची हुई दूरी क्या है, ये बची हुई दूरी क्या होगी एक्स माइनस डी डबल डैश, डी डबल डैश क्या है, संपीड़न क्षेत्र में डाली गई छड़ का प्रभावी आवरण। ठीक है, ठीक है, हो गया, और इसके साथ, इसके साथ ये कंप्री उसमें डाली गई है संपीड़न क्षेत्र में, तो इसलिए इसे एक नियतांक से 1.5 टाइम्स एम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ये डेरिवेट करने के बाद आएगा, इसको कहिए तो हम डेरिवेट कर दें, अन्यथा की स्थिति में इसी तरीके से आप जान लीजिए कि 1.5 टाइम्स एम माइनस 1 इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा किससे। ठीक है, तो आपका फार्मूला क्या बन गया, बी एक्स स्क्वायर बाई टू, बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 1.5 टाइम्स एम माइनस 1 माइनस 1 ए एस सी एक्स माइनस डी डबल डैश बराबर एम ए एस टी डी माइनस एक्स के। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस फार्मूले को हम और फिर से बता देते हैं कैसे डेरिवेट किया, स्क्रीनशॉट लेके थम्सअप करें, स्क्रीनशॉट लेके थम्सअप करें। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, क्या आप लोगों के साथ कम ही लोग पढ़ते हैं क्या, 15 लोग देख रहे हैं, 15-16 लोग लाइव हैं, सिविल की ये डिमांड, वो भी आरसीसी जैसे सब्जेक्ट की।
ठीक है, रफ कर दे रहे हैं, मिटा रहे हैं। समझ लीजिए ये फार्मूला कैसे आया। समझ लेते हैं क्योंकि पूछा कभी नहीं जाता डेरिवेशन, लेकिन समझने की जरूरत है। ठीक है, कहां से आया? ऊपर क्या है? संपीड़न क्षेत्र को तनन क्षेत्र के बराबर कर दिया गया, सी बराबर। संपीड़न क्षेत्र को तनन क्षेत्र के बराबर कर दिया गया। ठीक है, स्केच काम नहीं कर रही है। ऊपर संपीड़न का एरिया क्या है? इस फिगर को ध्यान से देखें, इस फिगर को ध्यान से देखें, इस फिगर को ध्यान से देखें। ऊपर क्या है? संपीड़न का क्षेत्र न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, बी इंटू यक्स, यही तो था, बी इंटू यक्स इंटू उसका सीजी कहां पे काम करेगा? यक्स बाई टू पे, यही चीज ना, ये कंक्रीट हो गया, कंक्रीट हो गया ना, प्लस प्लस कंक्रीट, कंक्रीट की जगह पे यहां पे देखिए, यहां पे देखिए स्टील डाल दी गई है, स्टील डाल दी गई है, स्टील डाली गई है, तो वहां पे माइनस कर दिया जाएगा। क्या माइनस किया जाएगा? यहां पे कंक्रीट नहीं डाली गई, कंक्रीट नहीं डाली गई है, तो हम क्या कर देंगे? एरिया ऑफ एएससी के बराबर, हमने कंक्रीट नहीं डाली है। ठीक है, डेरिवेट कर दें फार्मूले को। एएससी हो गया, ठीक है, एएससी हो गया। देखिए जहां से जिसको समझ में नहीं आया तो ये देख लीजिए ध्यान से, बी एक्स इंटू एक्स बाई टू माइनस एएससी। एएससी क्यों किया गया? कि कंक्रीट ब्लॉक जो है, मान लीजिए यही तो फिगर था, जस्ट यही है, ठीक है, यही फिगर है। यहां पे देखिए, पहले क्या देखे, ये कंप्रेशन जोन है, संपीड़न क्षेत्र है, और ये क्या है? टेंशन जोन है, तनन क्षेत्र, तनन क्षेत्र है। संपीड़न का एरिया क्या होगा? यही ना, ये अगर बी है और यहां पे यक्स है, ठीक है, ये यक्स है, ठीक है, संपीड़न क्षेत्र, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो गया बी इंटू यक्स के, हो गया, ठीक है। और इसका सीजी कहां पे काम करेगा? इसके मिडिल पे, कहां के मिडिल पे? इंटू एक्स बाई टू पे, ठीक है, एक्स बाई टू। अब हमने जो ये एरिया निकाला, तो यहां पे होल नहीं है, कंक्रीट ब्लॉक में होल नहीं है किसी तरीके का। अब हम इसकी जगह पे क्या डालें? होल करके इसमें इस्पात डाल दिया गया है, इस्पात डाला गया है, तो इसके स्थान पे कंक्रीट नहीं डाली गई होगी ना, तो कंक्रीट नहीं डाली गई है, तो उसका एरिया घटा देंगे। किसका एरिया? कंक्रीट का एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन साइड, एएससी माइनस कर देंगे। और इसकी दूरी ये यहां से क्या है? टॉप से डी डैश के कवर, डी डबल डैश के कवर पे डाली गई है, तो ये दूरी कितनी होगी? एक्स माइनस डी डबल डैश के होगी कि नहीं? तो एक्स माइनस डी डबल डैश, ये समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके स्थान पे हमने क्या डाला? अब ये कंक्रीट का एक्चुअल एरिया प्राप्त हुआ, ये कंक्रीट का क्या था? एक्चुअल एरिया प्राप्त हो गया, ठीक है, कंक्रीट का एक्चुअल एरिया प्राप्त हो गया। अब इसमें से अगर हम क्या ऐड कर दे, इसके स्थान पे हमने क्या डाला है? एरिया ऑफ स्टील डाला है, एरिया ऑफ स्टील डाला है, एएससी डाला है, एएससी डाला है कि नहीं? वही एडिशन हो रहा है, एएससी। और ये कितने दूरी पे है? 1.5, ये कितनी दूरी पे है? एक्स माइनस डी डबल डैश की दूरी पे डाली गई है, ठीक है, एक्स माइनस डी डबल डैश के दूरी पे डाली गई है। अब जो आप कह रहे हैं कि 1.5 टाइम्स यम, ये कंक्रीट जो है एक दूसरी धातु है, ये इस्पात दूसरी धातु है, इसलिए स्थिरांक के रूप में 1.5 टाइम्स यम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस सेक्शन को, ठीक है, हम क्या कर देंगे? 1.5 टाइम्स एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1.5 टाइम्स एम, समझ में आ गया, कंक्रीट का एरिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, बी एक्स स्क्वायर बाई टू, सिंगली की तरीके से, सिंगली हो गया। अब यहां पे देखिए कॉमन क्या है? ए एस सी एक्स माइनस डी डबल डैश, यहां पे ए एस सी एक्स माइनस डी डबल डैश कॉमन है, हमने क्या कॉमन ले लिया? ए एस सी
एक्स माइनस डी डबल डैश कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो यहां पे इसकी जगह पे क्या बचेगा, माइनस वन प्लस यहां पे क्या बचा 1.5 टाइम्स एम, ठीक है यही तो बचा। तो यही चीज लिखी हुई है बी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, इसको आगे कर दिया गया 1.5 टाइम्स एम माइनस वन एक्स माइनस डी डबल डैश बराबर संपीडन के क्षेत्र के एरिया के एम एएसटी डी माइनस एक्स के, यही तो फार्मूला है। दिख नहीं रहा है, क्लियर अब हो गया क्लियर, ठीक है। तो वही चीजें कल जो बताई जा रही थी उसी को है, वही चीजें थी। सिंगली का फार्मूला आपको याद रखना है, जो सिंगली का है क्या है बी एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर एम ए एस टी डी माइनस एक्स, यही तो फार्मूला सिंगली था। डबली में क्या ऐड हो गया, ऐड हो गया 1.5 टाइम्स एम माइनस वन ए एस सी एक्स माइनस डी डबल डैश, यही फार्मूला है। जो लोग डेरिवेशन पूछ रहे थे उनको ये समझ में आ जाना चाहिए, हो गया। आप कुछ लोग डेरिवेशन पूछ रहे थे, सर साधना जी देखिए कहां से आया था 1.5 टाइम्स से हम माइनस वन, आ गया समझ में? अगर आ गया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़े हम, ठीक है स्क्रीनशॉट लीजिए आगे बढ़े हम। फिर क्वेश्चन भी आज इस पे कराएंगे, एक टॉपिक साथ में क्वेश्चन कराए बिना नहीं कंप्लीट होगा। हो गया, हो गया हो तो थम्स अप करें, स्क्रीनशॉट लेके थम्स अप करें। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। चलिए क्या स्टेप है, स्टेप वही है, क्या स्टेप है जो आप लोगों ने सिंगली में पढ़ा है वही स्टेप डब्ली में भी आपको कोरिलेट किया जा रहा है, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, ठीक है बस थोड़ा सा परिवर्तन है। हो सकता है आपको किताब में कुछ और चीजें मिले तो आप किताब की भाषा को भी समझ सकते हैं, हमारी भाषा को भी समझ सकते हैं, लगभग आंसर सेम आएगा। किसी का आंसर अगर मिसमैच कर रहा है तो आप स्टेप पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, स्टेप पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि ये ना मैच कराइएगा कि हाँ मैं आंसर मैच कराइए, क्योंकि एग्जाम में ये ना हो कि आपके आगे वाला किया हो कुछ आंसर आया हो तो आपका गलत आया हो तो आप कट पिट करके कह दे कि हमारा मैच नहीं किया। कुछ वैल्यू आप पॉइंट्स के इधर उधर रहेंगी तो उसकी वजह से वैल्यू कुछ आगे पीछे हो सकती है, तो उस पर डरने की जरूरत नहीं है सर, सारी चीजें सही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, स्टेप फोर है, क्या होगा स्टेप फोर? सिंगली का स्टेप क्या था, फोर टू फाइंड सेक्शन, टू फाइंड सेक्शन, ठीक है टू फाइंड सेक्शन ना, पहले तो सेक्शन पता करिए कि ओवर है कि अंडर है कि बैलेंस है, ठीक है। कंडीशन क्या बन सकती है, यक्स ए बराबर यक्स सी, तो सेक्शन कैसा होगा, यक्स ए इज ग्रेटर देन यक्स सी, सेक्शन कैसा होगा, तो सेक्शन कैसा होगा, एक्स ए इज लेस देन अंडर, ठीक है हो गया। इतने सेक्शन के हिसाब से हम सेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें नेक्स्ट एक ऐड हो जाएगा स्टेप, एक छोटा सा स्टेप ऐड हो जाएगा टू फाइंड
टू फाइंड सिग्मा सी बी सी डैश का मान, सिग्मा सी बी सी डैश का मान कैसे निकलेगा? देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगे, आपको किसी तरीके की रटने की जरूरत कोई चीज नहीं है, फार्मूला यहीं पे है सब। यही तो था बी, यही तो था यक्स, यही तो था ना। यहां पे क्या डाला गया, ए एस सी एरिया ऑफ कंक्रीट इन कंप्रेशन साइड। अब इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाया जाए, यही तो बनेगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। सॉरी ठीक है, ऊपर क्या होता था सिग्मा सी बी सी था, नीचे क्या था सिग्मा एस टी बाई एम था। अब यहां पे क्या डाली गई, स्टील डाली गई है, इसकी वजह से भी कंक्रीट में एक और अनुज्ञेय प्रतिबल उपजेगा इस इस्पात की जगह पे, जिसे हमने नाम दे दिया सिग्मा सी बी सी डैश का। दे दिया, दे दिया। अगर हो गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस फिगर को मैं बड़ा बता के और करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वाले फिगर को हम बड़ा बनाते हैं, इस वाले फिगर को हम बड़ा बनाते हैं। अगर हो गया हो तो मैं मिटा दूं, मिटा सकता हूं इसे फिगर को। ठीक है, इस फिगर को समझ लीजिए क्या है। यही तो था ऊपर वाला, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का है यही ना, यही न्यूट्रल एक्सिस है। यहां तक की दूरी क्या थी, यहां तक की दूरी क्या थी, यक्स। ये क्या है, ऊपर क्या था सिग्मा सी बी सी था, नीचे क्या है, ये सिग्मा सी बी सी डैश है। यहां तक का कवर क्या था, डी डबल डैश से डिनोट किया गया था। और ये दूरी क्या बचेगी, एक्स माइनस डी डबल डैश, यही ना। मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ओ ए बी हो गया और ये स्मॉल ए बी हो गया। देखिए एक त्रिभुज कहां बन रहा है, ये बड़ा वाला। एक त्रिभुज कौन सा बड़ा, ये बड़ा वाला बन गया। ठीक है, एक त्रिभुज बड़ा वाला बना, और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये छोटा वाला। ठीक है, अब हम सिमिलर ट्राइंगल मेथड से क्या कहेंगे, सिमिलर ट्राइंगल मेथड का प्रयोग करते हुए कह दें, बड़ी वाली भुजा सिग्मा सी बी सी बटा एक्स के, सिग्मा सी बी सी बटा ये दूरी बटा इसके ट्राइंगल, बड़े वाले त्रिभुज बराबर सिग्मा सी बी सी डैश, ये दूरी बटा ये दूरी। ये दूरी क्या है, ये दूरी क्या है, यक्स माइनस डी डबल डैश, यक्स माइनस डी डबल डैश। ठीक है, एक्स माइनस डी डबल डैश। तो यहां से हमें क्या मान प्राप्त हो जाएगा, सिग्मा सी बी सी डैश बराबर, सिग्मा सी बी सी डैश बराबर सिग्मा सी बी सी एक्स माइनस डी डबल डैश डिवाइडेड बाई एक्स के प्राप्त हो गया। यहां से हमें सिग्मा सी बी सी का मान पता रहेगा, एक्स का मान हम निकाल चुके हैं, डी डैश दिया हुआ है, और यहां से हमें सिग्मा सी बी सी डैश का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर हो गया तो थम्सअप करें, थम्सअप करें और स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ें। ठीक है, थम्सअप करें और स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें हम। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है, सारी चीजें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिगर से ही सब कुछ है। अगर फार्मूला आपको भूल जा रहा है तो आप फिगर ध्यान में रखेंगे तो आपको अपने आप सारी चीजें एग्जाम में याद आ जाएंगी। ठीक है, अगर फार्मूला आपको याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट स्टेप होगा टू फाइंड एम आर, टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट प्रतिरोध आघूर्ण।
यक से बराबर यक्षी है, पहली कंडीशन, या यक से इज ग्रेटर देन यक्षी है, दोनों कंडीशन के लिए, दोनों कंडीशन बैलेंस है, या तो बैलेंस हो चाहे तो ओवर हो, बैलेंस हो चाहे तो ओवर हो, ओवर हो या बैलेंस हो, तो हम क्या करेंगे, हम एम आर निकालने के लिए, हम एम आर निकालने का फार्मूला रखेंगे वही सिंगली के तरीके से, बी एक्स सिग्मा सी बी सी बाई टू, सिंगली है ना, तो पहले सिंगली का डी माइनस एक्स बाई थ्री, यही तो सिंगली का एम आर का फार्मूला था, ये उसमें अब ये डबली परिवर्तित हो जाएगा, डबली परिवर्तित हो जाएगा तो इसमें क्या एडिशन कर दिया जाएगा, वही 1.5 टाइम्स एम माइनस वन ए एस सी सिग्मा सी बी सी डैश सिग्मा सी बी सी डैश डी माइनस डी डबल डैश डी माइनस डी डबल डैश, ठीक है, हो गया। सिंगली का फार्मूला क्या है, यही ना, बी एक्स सिग्मा सी बी सी बाई टू डी माइनस एक्स बाई थ्री सिंगली, और उसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा, 1.5 टाइम्स एम माइनस वन ए एस सी सिग्मा सी बी सी डैश डी माइनस डी डबल डैश उत्तोलक भुजा के, ठीक है, हो गया। कौन से सेक्शन के लिए, बैलेंस ओवर है तो, अगर सेक्शन अंडर है, अगर सेक्शन अंडर है एक्सी है, सेक्शन कैसा होगा, अंडर रीइंफोर्स है, अंडर रीइंफोर्स है, तो उस कंडीशन में हमें रिवाइज करना पड़ेगा टू फाइंड सिग्मा सी बी सी डैश सिग्मा सी बी सी का मान। पहले हम सिग्मा सी बी सी का मान किस फार्मूले से जिससे हम यक्सी कैलकुलेट करते थे, किससे कैलकुलेट करते थे यक्सी, यहाँ पे यम टाइम सिग्मा सी बी सी अपान यम टाइम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू इंटू डी था ना, यही फार्मूला था, यहाँ पे यक्स पता होगा यम पता होगा, सिग्मा सी बी सी का मान यहाँ से निकाला जाएगा टू रिवाइज, और फिर ले आके यहाँ पे वैसी इक्वेशन में फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। डबली रीइंफोर्स कंडीशन में हमेशा क्वेश्चन ओवर या बैलेंस ओवर ही बनता है, मैक्सिमम कंडीशन मिनिमम कंडीशन होती है कि सेक्शन अंडर बन जाता है, अगर अंडर बन रहा है तो हम सेक्शन को इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, उसमें चेंज कर लेंगे, कैसे चेंज करेंगे, इस फार्मूले से, इसका दूसरा रूप क्या था, दूसरा रूप क्या था, सिग्मा सी बी सी बटा सिग्मा एस टी बाई यम के बराबर यक्स अपान डी माइनस यक्स, यही तो था दूसरा रूप, स्ट्रेस सिमिलर ट्राइंगल वाला फिगर याद रखिए, सिमिलर ट्राइंगल का फिगर यही तो था, इसी से तो ये फार्मूला जनरेट हुआ था, ठीक है, हो गया, हो गया हो तो स्क्रीनशॉट लें और थम्स अप करें, क्वेश्चन कराते हैं एक न्यूमेरिकल इस पे, हो गया हो तो थम्स अप करें और स्क्रीनशॉट लें, जी 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 बैलेंस ओवर सेक्शन होगा तो वही होगा, अगर अंडर सेक्शन बनेगा तो हम रिवाइज करेंगे किसका मान, सिग्मा सीबीसी का मान रिवाइज करेंगे, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में इसको बताया गया है कि कब कैसे ओवर बनता है कब कैसे अंडर बनता है। धन्यवाद आप लोगों का, इतना कीमती समय हमारे साथ व्यतीत कर रहे हैं इस सोशल दुनिया की टाइम में, आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक छोड़ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा सौभाग्य है कि कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, बोले अगर कॉपी पेन आप लोगों के पास हो गई हो तो क्वेश्चन नोट कीजिएगा, कॉपी पेन आ गई आप लोगों के पास, ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक 300 mm गुड़े 500 mm क्वेश्चन है,
एक 300 गुणे 500 mm कुल गहराई है, टोटल डेप्थ, कुल गहराई एक 300 mm गुणे 500 mm के दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरन, के दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरन के तली में 22 mm व्यास की चार छड़ें, तली में 22 mm व्यास की चार छड़ें तथा 20 तली में 22 mm व्यास की चार छड़ें तथा ऊपर 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 20 mm व्यास की दो छड़ें, 20 mm व्यास की दो छड़ें, 20 mm व्यास की दो छड़ें प्रबलित की गई हैं। प्रत्येक छड़ का प्रभावी आवरण, प्रत्येक छड़ का प्रभावी आवरण 50 mm है, 50 mm है, 50 mm है, ठीक है। इसके 8 मीटर प्रभावी पाट पर, इसके 8 मीटर प्रभावी पाट पर, प्रभावी पाट पर भार वहन क्षमता ज्ञात करें, भार वहन क्षमता ज्ञात करें, भार वहन क्षमता ज्ञात करें। M15 ग्रेड की कंक्रीट और Fe 415 का इस्पात, तथा यम बराबर 18 दिया हुआ है, स्मॉल यम बराबर 18 दिया हुआ है। हो गया, हो गया हो तो बताइए, हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएं आगे। हम सब करें अगर हो गया तो। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में हमें बता दें आप लोग कहाँ से लाइव हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपने अपने कॉलेज का नाम और डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें कि हम कहाँ तक अपने आप को। बताइए, इतने इतने कॉलेज से आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ से आप ही अकेले देख रहे हैं, आप लोग अपने दोस्तों को नहीं बताना चाहते कि वो पास हो जाएंगे, हैं? एक इंजीनियर का गुड़ आप लोगों में दिख रहा है, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको भी भविष्य साफ करिए, ठीक है, साथ लेके चलिए। चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। आज कुछ अलग से भी बताएंगे आप लोगों को, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्या है एक दोहरे फिगर बनाते हैं, फिगर से ही क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। एक दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड, एक दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड
दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड की माप क्या दी हुई है? की माप क्या दी हुई है? 300 mm गुड़े 500 mm, 300 mm गुड़े 500 mm, 300 ये हो गया इसकी चौड़ाई और 500 कुल गहराई, कुल गहराई 500, ठीक है। 300 mm गुड़े 500 mm दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरन की तली में, तली मतलब बॉटम में, बॉटम में 22 mm व्यास की चार छड़े, यही ना, 22 mm व्यास की चार छड़े, यही तो कह रहा है, यही डाली गई हैं, 22 mm व्यास की चार छड़े। तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये क्या है, ये 22 mm फाइबर, यही तो है, 22 mm फाइबर हो गया। तथा 20 mm व्यास की, तथा 20 mm व्यास की दो छड़े, 20 mm व्यास की दो छड़े तनन ऊपर के साइड में, ये यहां पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, टू नंबर एट द रेट 20 mm फाइबर, 20 mm फाइबर हो गया, इतना 20 mm फाइबर हो गया, 20 mm फाइबर। और क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, प्रत्येक छड़ पंक्ति का प्रभावी आवरण, ये कवर जो दिया है प्रभावी आवरण दोनों साइड, दोनों साइड क्या दिया है, इसका मान क्या दिया हुआ है, 50 mm ये, और इधर से क्या मान दिया है, 50 mm ये, ठीक है। यहां तक से, यहां तक की दूरी को हम क्या नाम देते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा, 500 में से 50 माइनस किया तो मान क्या आ गया, 450 हो गया, हो गया, हो गया, हो। तो आगे देखते हैं, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हमेशा किसी क्वेश्चन का क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, गिवन डाटा, गिवन डाटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किसी धरन की चौड़ाई प्रभावी, किसी धरन की चौड़ाई b बराबर 300 दी हुई है, कैपिटल D बराबर क्या दिया हुआ है, 500 mm, साथ में मात्रक भी लिखते चलिए mm, स्मॉल D बराबर क्या होता है, कैपिटल D माइनस डी डैश, कैपिटल D माइनस डी डैश के, तो यहां पे क्या होगा, पहले इससे पहले हम देख लें, डी डैश बराबर डी डबल डैश, दोनों का मान क्या दिया हुआ, प्रत्येक का मान क्या दिया हुआ, 50 mm, प्रभावी आवरण ऊपर और नीचे दोनों का मान क्या दिया हुआ है, 50 mm दिया हुआ है, तो स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डी माइनस डी डैश के, तो 500 माइनस 50 क्या मान आएगा, 450 mm आएगा, हो गया, 450 mm, ठीक। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिग्मा सी बी सी बराबर, सॉरी क्वेश्चन में सिग्मा सी बी सी का मान नहीं दिया है, यम 15 ग्रेड कह रहा है, यम 15 ग्रेड, तो जब यम 15 मान याद कर लीजिए, यम 15 और यम 20 देगा, या तो यम 25 मान दे रहेंगे, ठीक है। यम क्या दिखाता है, यम मिक्स को दिखाता है, और उसके आगे लिखा हुआ अंक उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को दिखाता है, कितने दिनों की तराई के बाद, 28 दिनों की तराई के बाद, ठीक है। यम 15 के लिए सिग्मा सीबीसी का मान, यम 15 के लिए सिग्मा सीबीसी का मान 5 होता है, यम 20 के लिए सिग्मा सीबीसी का मान 7 होता है, और यम 25 के लिए सिग्मा सीबीसी का मान 8.5 होता है, ये तीन मान याद रख लीजिए। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, यम 15 दिया है, तो यम 15 के लिए सिग्मा सीबीसी का मान 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। अब उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, उसके अलावा क्या दिया हुआ है, एफई 415, एफई 415, एफई 415 के लिए सिग्मा एसटी का मान आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बताया गया है, उस तरीके की जो क्लास नोट्स दी गई, सिग्मा एसटी बराबर क्या होगा 415 के लिए, 230 क्या होगा, सिग्मा एसटी बराबर क्या होगा,
230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस्पात कितने तरीके की होती है? इस्पात दो तरीके की होती है। आपके क्वेश्चन में क्या रहेगा, एफई 250 दिया रहेगा या 415? जब 250 दिया रहेगा तो सिग्मा एस टी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एस टी बराबर हो जाएगा 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन डाटा नोट हो गया, इतनी चीजें नोट हो गई। हाँ हो गई, हो गई, हो गई है। ठीक है, नोट हो गई है तो स्क्रीनशॉट लें, नोट हो गई हो तो स्क्रीनशॉट लें और मैं रफ करूं इसे। ठीक है, ठीक है, सारी चीजें नोट हो गई। अब गिवन डाटा में दो चीजें और दी थी, क्या दी हुई हैं कि इस्पात क्षेत्र में कितने एमएम की, इस्पात तनन क्षेत्र में 20 एमएम 22 एमएम डाल रहा है कि एरिया ऑफ स्टील इंटेंशन साइट, टी का मतलब इंटेंशन साइट कितनी है, पाई बाई फोर। फार्मूला क्या बताया गया था, कोल पाई बाई फोर फाइव स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार, नंबर ऑफ बार जितनी छड़ होगी, तो कितनी छड़ है, पाई बाई फोर, कितने का डाया है, 22 का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार कितने हैं, 4। इसको सॉल्व करिए, एस टी का मान बताइए क्या आया, एस टी का मान बताइए क्या है। अगर हमारी क्लास आरसीटी के ले रहे हैं तो आप लोगों को कैलकुलेटर साथ लेके बैठना पड़ेगा, हर सॉल्व हर प्रॉब्लम के साथ एक क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, एस टी का मान क्या आया, 1520 समथिंग आएगा, तो उसे हम क्या लेंगे, 1521 mm² ले लेंगे। ठीक है, अब ए एस सी बराबर निकालते हैं, ए एस सी का वही फार्मूला, पाई बाई फोर फाई स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार, क्या नंबर ऑफ बार क्या होगा, पाई बाई फोर इंटू फाई का मान क्या है, 20 का स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार दो है, दोनों को इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए क्या मान आएगा, इसको कैलकुलेट कीजिए क्या मान आएगा, लगभग 628 आएगा, क्या मान आएगा कैलकुलेट करके बताइए, 628 mm² 628 mm² ठीक है, हो गया, हो गया। अगर हो गया हो तो नोट कर लीजिए, मिटा दिए हम, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको, हो गया हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए और थम्स अप कीजिए। ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिवन डाटा अगर आपका हो गया तो आधी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन अगर गिवन डाटा आप कर लिए तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड CNA, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेज। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेज फार्मूला क्या बताया गया था, एक्सी बराबर यम टाइम सिग्मा सी बी सी अपान एम टाइम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी इंटू डी। मान पुट कर दीजिए तुरंत, यम का मान 18, सिग्मा सी बी सी का मान 5 बटा 18 गुणे 5 प्लस 230 इंटू डी का मान 450। हो गया, हो गया, सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन को, यक्स का मान क्या आएगा, एक्सी बराबर क्या आएगा, 90/90 प्लस 230 इंटू 450, यही ना, एक्सी बराबर 90 प्लस 320 इंटू 450,
एक्सी बराबर कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट करके मान लगभग 127 mm आएगा। क्या आएगा? 127 mm आएगा, अगर आया हो। ठीक है, अभी तक सिर्फ संतोष यादव जी का आया है एक्सी का मान, और किसी का भी आया 127? ठीक है रागनी जी, ठीक है, अगर हो गया, ठीक ठीक हो गया तो स्क्रीनशॉट लें और हम रफ करें। ठीक है, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे न्यूमेरिकल में आप ध्यान दीजिएगा, अगर दशमलव के बाद के अंक को आप हमेशा राउंड फिगर में कीजिएगा, दशमलव के बंद बाद के अंक को छोड़ दीजिए या तो राउंड फिगर कीजिए, किससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, नहीं तो लेंदी होती चली जाएगी। हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लिए, रफ कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड ANA एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। फार्मूला क्या बताया गया अभी? सिंगली का बी एक्स स्क्वायर, जिसको नहीं याद है तो ऐसे याद कर लें, बी एक्स स्क्वायर बाई टू, और उसके बाद क्या था, सिंगली का लिख दीजिए, सिंगली का फार्मूला लिख दीजिए, उसी में ऐड क्या कर दीजिए, 1.5 टाइम्स एम माइनस वन ए एस सी एक्स माइनस डी डबल डैश। ठीक है, बी का मान क्या दिया हुआ है, 300 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस 1.5 टाइम्स एम का मान दिया है 18 माइनस वन इंटू ए एस सी का मान आपने क्या निकाला था, 628 यक्स माइनस डी डबल डैश का मान क्या था, 50 बराबर यम का मान 18 गुड़े 1520। ए एस टी का मान 1520 था, डी का मान 450 माइनस यक्स के। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 150 स्क्वायर प्लस 18 27 में से एक गया 26, 26 गुड़े 628 यक्स माइनस 50 बराबर 18 गुड़े 1520 450 माइनस यक्स के। इस इक्वेशन को हम किस में ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आप अपने से सॉल्व करिएगा, यक्स का मान किस द्विघात समीकरण में पुट करेंगे, यक्स बराबर कौन सा इक्वेशन, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ से इस इक्वेशन से हम यक्स का मान सॉल्व करेंगे, यक्स का मान सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यक्स का मान सॉल्व करेंगे तो यक्स का मान क्या आएगा, यक्स का मान आएगा 184 mm। कुछ लोग अपने से कर रहे हैं या नहीं, हो गया, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, अगर द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं करने आ रही हो तो बताइएगा, इस पे लेक्चर एक बनाया जाएगा, हम मान रहे हैं कि आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना आता होगा। ठीक है, कैलकुलेशन इतना लेंदी हो जाएगा करने में कि दिक्कत होगी, इसलिए आप अपने से भी कीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या ना फाइंड आउट कर लिए, यक्स का मान 184 mm। ठीक है, अगर हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टू फाइंड सेक्शन
यक्षे का मान क्या आया? 184 mm। और यक्षी का मान क्या आया था? 127 mm। आप ध्यान देंगे तो ये जो सेक्शन दिया हुआ उसी के आसपास, बीचों बीच के आसपास कहीं आ रहा। कंडीशन के हिसाब से क्या बनी? यक्ष इज ग्रेटर देन यक्षी, तो कौन सा हो गया? हेंस सेक्शन ओवर रिइंफोर्स हो गया। ओवर रिइंफोर्स सेक्शन बन गया, ठीक है, सेक्शन बन गया ओवर रिइंफोर्स। नेक्स्ट स्टेप में आप 2 फाइंड MR, या तो बेंडिंग मोमेंट। फार्मूला क्या होता है? MR बराबर सिंगली का फार्मूला बी एक्स सिग्मा सी बी सी बाई टू प्लस सिग्मा सी बी सी बाई टू डी माइनस एक्स बाई थ्री प्लस 1.5 टाइम्स M माइनस 1 ASC यक्स माइन ASC डी माइनस डी डबल डैश हो गया। पुट कर दीजिए वैल्यू सारी, पुट कर दीजिए वैल्यू। क्या हो गया? B का मान क्या था? 300 गुणे यक्स का मान क्या लेंगे? ऑलवेज यक्से वाला मान लेंगे हमेशा। कंपेयर भले कराएं लेकिन मान कौन सा लेंगे? कंपेयर भले कराएं लेकिन एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस का मान लेंगे रखते समय। तो 184 गुड़े सिग्मा सी बी सी का मान बटा 2, डी का मान 450 माइनस 184 बटा 2 प्लस 1.5 टाइम्स M, एम का मान 18 हो जाएगा माइनस 1 इंटू ASC का मान क्या था? ASC का मान 628, 628 गुड़े D का मान क्या था? D का मान क्या था? 450 माइनस D डबल डैश 50, ठीक है, 450 माइनस 50। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। हाँ सॉरी, 184 बट्टा 3 सिग्मा सी बी सी 3, ठीक है, हो गया। जी अंकित जी, MR बराबर इस इक्वेशन को पूरे सॉल्व कर दीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, पूरा इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। क्या मान आएगा? क्या मान आएगा? 77 45 77 45 55 68 Newton mm, 77 45 Newton mm। किलो न्यूटन पर मीटर नहीं, यूनिट होगा, न्यूटन एमएम होगा, ठीक है। इसको चेंज करिए, देखिए 3 3 3 6, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं? देखिए हम लिखते हैं इसको 77.45 × 10^6 न्यूटन एमएम, ठीक है, कह दें। आप सोचिए, ऊपर देख लीजिए, ऊपर यहां देखिए, 1 किलो न्यूटन बार बार कह रहा है 1000 होता है, और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1000। 3 0 मतलब 3 0, किसी चीज को चेंज करने के लिए 1 किलो न्यूटन चेंज कर दीजिए। क्या चेंज कर दीजिए इसको? तो 77.45 × 77.45 किलो न्यूटन मीटर। कैसे चेंज हुआ? कि न्यूटन ने, किलो न्यूटन ने 3 0 ले लिया और मीटर ने 3 0 ले लिया, और 10^6 खत्म हो गया। तो इसे क्या लिख देंगे? 77.45 किलो न्यूटन मीटर। अगर हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आगे भी बताना है, अभी इस क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा था, अभी आगे भी बताना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और थम्स अप करिए। किलो न्यूटन मीटर MR का मान कैलकुलेट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, हो गया।
स्क्रीनशॉट हो गई, थम्सअप करें थम्सअप करें, स्क्रीनशॉट हो गया तो। नेक्स्ट स्टेप पूछा है इसमें, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, पूछा था लोड, तो नेक्स्ट स्टेप इसका जो भी है, क्या स्टेप है, स्टेप नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप जो भी है 7 या 6 जो भी हो, टू फाइंड लोड पर मीटर। हम किसी धरन को क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना, ठीक है, और इसे 6 मीटर के प्रभावी आवरण पर धरन डाली गई, तो इसे हम क्या मान लेंगे, क्वेश्चन में दिया नहीं है, नहीं दिया है तो हम किस में मानेंगे, सिंपली सपोर्टेड। कोई धरन कैसी मानी जाएगी, सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग धरन का बेंडिंग मोमेंट फार्मूला क्या होता है, m बराबर wl स्क्वायर बाई 8 होता है कि नहीं, m बराबर wl स्क्वायर बाई 8 होता है। तो m का मान हमने क्या निकाला, 77.45 W का मान दिया नहीं है, ज्ञात करना है। और L का मान क्या दिया था क्वेश्चन में, L का मान क्या दिया था क्वेश्चन में, कमेंट करिए कमेंट, L का मान क्या दिया था क्वेश्चन में, प्रभावी पार्ट क्या दिया था क्वेश्चन में, कमेंट कीजिए बताइए हमें कि देखिए क्वेश्चन नोट हुआ है कि नहीं, वो किया है जी जी। L बराबर 8 मीटर, 8 मीटर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, 77.45 W इंटू, यहां से कैंसिल हो गया, ये देखिए एक कैंसिल, W बराबर क्या हो गया, 77.45 डिवाइडेड बाई 8 के, ठीक है। क्या मान आया, इसको सॉल्व कर दीजिए, मान क्या आएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, मान क्या आएगा, W का मान क्या आएगा, नाइन पॉइंट सिक्स एट किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर। मात्रक का विशेष ध्यान दीजिएगा, W बराबर यहां पे क्या हो गया, 9.68 किलो न्यूटन पर मीटर है। ये मात्रक कैसे आया, वहां पे क्या था, यम का मात्रक क्या था, समझ लीजिए फिर से मात्रक को, मात्रक में कोई कंफ्यूजन न रखिए, यम का मात्रक क्या था, किलो न्यूटन पर मीटर, यम बराबर किलो न्यूटन पर मीटर, इसी चीज को लिख रहे हैं। डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू और एल की जगह पे क्या है, एल की जगह पे मीटर का स्क्वायर है, लंबाई का स्क्वायर है, मीटर गुड़े मीटर बटे 8, नीचे अंक है, कोई दिक्कत नहीं, यम का यहां पे है। अब देखिए सॉरी, एम का मात्रक क्या था, किलो न्यूटन मीटर था, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो यहां पे W बराबर क्या होगा, मात्रक, ये मीटर इधर चला गया, तो किलो न्यूटन पर मीटर। लोड का मात्रक हमेशा किलो न्यूटन पर मीटर आएगा, कंडीशन कौन सी होगी, UDL की। अगर पॉइंट लोड होता है तो क्या पढ़े आप लोग सोम में, मात्रक क्या होता है, किलो न्यूटन होता है, ठीक है, तो आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है, W इतना प्राप्त हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया सबका, समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो थम्सअप करें, और स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए कॉपी पेन लेके, कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए, थ्योरी के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी के न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है आरसीसी के लिए,
तो आरसीसी के कुछ न्यूमेरिक थ्योरी के क्वेश्चन आप लोग असाइनमेंट के रूप में अपने से बनाइए और उसको रट लीजिए, कहीं ना कहीं वहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन नोट करिए, अगर कॉपी पेन हो गया तो आप अपने पास थम्स अप करें और पहला क्वेश्चन नोट करें, पहला क्वेश्चन नोट करें असाइनमेंट का पहला। बोले कल ड्राइंग की क्लास नहीं हुई थी। कार्यकारी प्रतिबल विधि, कार्यकारी प्रतिबल विधि, कार्यकारी प्रतिबल विधि इन ब्रैकेट लिख लीजिए प्रत्यास्था सिद्धांत, प्रत्यास्था सिद्धांत, प्रत्यास्था सिद्धांत के बारे में स्पष्ट करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन एकल प्रबलित कंक्रीट खंड, एकल प्रबलित कंक्रीट खंड के अभिकल्पन के चरणबद्ध तरीके लिखें। एकल प्रबलित कंक्रीट खंड के अभिकल्पन के चरणबद्ध तरीके लिखें। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा एकल प्रबलित कंक्रीट खंड, एकल प्रबलित कंक्रीट खंड तथा दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड में अस्पष्ट अंत, एकल प्रबलित कंक्रीट खंड, एकल प्रबलित कंक्रीट खंड तथा दोहरे प्रबलित कंक्रीट खंड में अंतर स्पष्ट करते हुए चित्र बनाएं। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। खंड के प्रकार के बारे में स्पष्ट वर्णन करें। खंड कितने प्रकार के होते हैं? तीन तरीके के, बैलेंस, ओवर और अंडर, टाइप्स ऑफ सेक्शन। लास्ट क्वेश्चन एक लिखिए आज के लिए। कार्यकारी प्रतिबल विधि, कार्यकारी प्रतिबल विधि के अभिकल्पन, कार्यकारी प्रतिबल विधि के अभिकल्पन, के अभिकल्पन के चरणबद्ध, के अभिकल्पन, कार्यकारी प्रतिबल विधि के अभिकल्पन की संकल्पनाएं, सॉरी की संकल्पनाएं, एजम्पशन की संकल्पनाएं बताएं। एजम्पशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है? कोई धरन नमन से पूर्व समतल में है तो नमन के पश्चात भी समतल में होगा, यही सब चीजें। ठीक है, हो गया। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, असाइनमेंट पे वर्क जरूर कीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसकी वैल्यू मुझे रोट नहीं है, याद नहीं है क्या था। एक्स का मान क्या दिया था मैंने, जो कल क्वेश्चन बोला था, एक्स का मान क्या आया था आपका?
एक्स का मान क्या आया था? एक्स का मान, आई थिंक एक्स का मान क्या आएगा? 85 आएगा, 85 आएगा, 85। एक्स का मान 85 आएगा। किसी का आया था? जी, 85 सही है। जिन लोगों का 85 आ रहा था, सही है, कल का क्वेश्चन का 85 आया है। हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, अब कोशिश रहेगी टाइम निकाल के आपको जो क्वेश्चन देंगे हम खुद सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है, आरसीसी और आरसीसी की ड्राइंग अभी क्लास चल रही है, कल से आरसीसी की क्लास नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सुबह में। हो सकता है कल आरसीसी की क्लास 7:30 बजे से मिलेगी और आरसीसी ड्राइंग की क्लास 10 बजे से मिलेगी। ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना ही। कल से फिर से आपको होगी। अगर आपको किसी तरीके की इंक्वायरी चाहिए या कुछ और भी चीज़ें जाननी हैं तो आप ऊपर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं, 8004984311। ठीक है, 8004984311 आपकी इंक्वायरी का हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए, जितनी भरसक कोशिश हो रही है उतना किया जाएगा। ठीक है सर, ड्राइंग शुरू से स्टार्ट कीजिए, जितनी क्लासें हो चुकी हैं आप जाके उसे फिर से देख सकते हैं, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है कि बीत चुकी हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखिए, आप उसके बाद वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग मेरा मनोबल बढ़ा रहा है, बस इसी तरीके का आप लोग का बनाए रखिए। और हाँ ठीक है, एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम के टाइम में पहला क्वेश्चन जो आएगा वही कीजिएगा। हम आप लोगों को एक चीज ये नोटिस जरूर कर लीजिए कि जो भी क्वेश्चन आए उसे करिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप जैसे सेक्शन में होता है, आप लोगों बहुत गलती करते हैं, सेक्शन में दो पार्ट होते हैं या तीन पार्ट होते हैं तो लोग क्या करते हैं, जब नहीं आता है तीन के तीनों पार्ट कर देते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम उससे पास हो जाएंगे, वो बेवकूफ़ी करते हैं और उन्हीं लोगों की बैक आती है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा करिए आप लोग, पेपर पैटर्न को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इस पे और बात करेंगे बाद में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।